हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने स्टाइलिश साड़ी के साथ कुछ अलग नया लुक किया है। तो ये मेरी साड़ी है, आप देख सकते हैं मैंने कैसे वियर किया है। अगर आप चाहो तो मैं बताऊंगी, लेकिन बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है गाइस। ज़रूर इस मेकअप को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, किसी पार्टी फंक्शन में है। वैसे अभी तो पार्टियाँ होनी नहीं है, फिर भी नॉर्मली कहीं कहीं पर हो रही है कुछ कुछ। तो ये मेरा लुक था, तो मैं थोड़ा इन्जॉय भी कर रही थी इस लुक को। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो सबसे पहले मैं एक वेट टिश्यू लेके अपने पूरे फेस को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि कितना भी रहे हमारा कुछ ना कुछ डस्ट आ ही जाता है। मैंने लिप ग्लॉस लगाया हुआ है, थोड़ा सा पिंकिश लिप दिख रहा है। मैंने लेंसेस लगाए हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हैं। तो मैंने सबसे पहले अपना गुड्स वाइफ का प्रोडक्ट यूज़ किया, टोनर, रोज टोनर। फिर ये मैं ऑर्गन फेशियल ऑयल ले रही हूँ, गोल्ड लिप्स वाला। ये भी बहुत अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो हमको इसको अपने फेस पे अच्छे से ऑब्ज़र्व करवाना है। इसके बाद गाइज, मेकअप ऐसा है कि मैं नॉर्मली ये सब रोज़ नहीं करती हूँ। कभी कभी जब मुझे मन करता है, कहीं जाना होता है, तब मैं ये सब यूज़ करती हूँ। हाँ गाइज, इससे पहले मैंने कुकुम्बर का जेल लगाया था, उसके बाद मैं ये अपना NY का प्राइमर लगा। प्राइमर क्या करता है, हमारे बेस को लॉन्ग लास्टिंग करता है, जिससे कि बहुत देर तक हमारा मेकअप स्टे करता है। और अब मैं यहाँ पर फिट मी का फाउंडेशन ले रही हूँ। लेकिन मैं गाइज आपको, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ड्राई स्किन है तो आप प्लीज़ इसको मत लीजिए, क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं है ड्राई स्किन के लिए। फिर मैंने गुड्स वाइफ का टोनर के ही साथ मैंने फिर से स्प्रे करके अपने पूरे फाउंडेशन को ब्रश की सहायता से पूरा ब्लेंड कर रही हूँ। फिर ब्लेंडर भी मैंने यूज़ किया है। कंसीलर की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, कि मेरे इतने डार्क सर्कल वगैरह तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर पिगमेंटेशन है, बस वही कर रही हूँ। लेकिन ये मैंने लगा लिया, क्योंकि कंसील लगाने से जो आपका आई शेडो है बहुत ही उभर के आता है। तो मैंने इसे यूज़ किया है, कंसीलर मेरा NY का भी है। मैं ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, हर बार मैं अगर अलग अलग प्रोडक्ट ले के यूज़ करूँ तो मतलब ये एक मन में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट बेस्ट था कि वो था। तो मैंने अब अपने कंसीलर को सेट करने के लिए अपना फिट मी का ही कॉम्पैक्टर यूज़ किया है। फिर मैं अब मैं इस बार हाइलाइटर को पूरा अपनी पूरी आई में कवर करके, फिर थोड़ा पिंकिश कलर लेके उसको पूरे आई लिड पर लगा रही हूँ। गाइस, आपको अगर मेरा चैनल ज़रा भी अच्छा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो कीजिए। मेरे आई में थोड़ा सा एक चोट का निशान है, जिसके कारण वहाँ पर डार्क दिखता है थोड़ा सा। तो आपको लगता होगा कि यहाँ पर अच्छे से ब्लड नहीं हो, लेकिन वो मेरे आई में निशान है चोट का। तो ये देखिए, मैंने पिंकिश किया है। मैंने एक आई शेडो पैलेट भी अमेज़ोन से ऑर्डर किया है, वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, उसको भी मैं फुल रिव्यू दूंगी, बहुत ही अच्छा है। फिर मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले रही हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी जो है वो ब्लू टाइप में, ब्लू में डार्क है। तो मैं ब्लू ये लाइट था, तो इसमें पर्पल मिक्स करके मैं थोड़ा सा अपने शेड में लाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर इस मेकअप लुक को ट्राई कर। मैंने थोड़ा इसमें एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम कट क्रीज बनाया है। आप देखेंगे, मैंने फ़र्स्ट टाइम कट क्रीज बनाया है। तो और उसमें मतलब बोलना चाहिए, अब आप देखिएगा तो आप खुद जानिएगा। मैं देखिए, मैं थोड़ा सा अपना जो मेरा पैलेट था उसी का ब्लैक कलर लेके थोड़ा सा उसको और अच्छा इफेक्ट आए करके लगा रही हूँ। तो उसको ब्लेंड अच्छे से करिएगा। आप देखिए, मैं कट क्रीज बना रही हूँ अपने NY के ही कंसीलर से, कट क्रीज बना रही हूँ। वैसे बना अच्छा था, मेरा फर्स्ट ट्राई ठीक था। तो इसके बाद मैं ग्लिटर्स उसमें लगा रही हूँ। ग्लिटर्स हमें जब हमारा कंसीलर अगर जब गीला रहे तभी हमको ग्लिटर्स लगा लेने हैं, और ग्लिटर्स आपकी आईज़ पे गिरेंगे ही गिरेंगे, तो बाद में उसको आप ब्रश की सहायता से हटा सकते हैं। तो फिर मैं आप अपना लाइनर लगा रही हूँ। मेरे पास फेस ब्यूटी का भी लाइनर है, लेकिन मुझे ये लाइनर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको बार बार लगाती हूँ, बस यही रीज़न है। तो मैंने थोड़ा सा विंग इस बार थोड़ा लंबा किया है, लंबा बना रही हूँ विंग, बस देखिए लग गया।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब मैं अपने लैशेस भी लगा चुकी हूँ। मेरे लैशेस क्या है, मैंने शायद गीले में लगा लिया जल्दी जल्दी में, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था एक साइड का कि निकल मत जाए करके, लेकिन फिर भी सेट है। अब मैं कंटूरिंग कर रही हूँ, तो मैंने पैलेट ले लिया है। मैं इसमें पाउडरी भी करती हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं केवल क्रीमी लगा लेती हूँ। क्रीमी ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करेगा, आपको इसमें पाउडर का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं पाउडरी शेड जो रहता है स्किन से कलर्स का, पीची टाइप से, उसको मैच करती हूँ। गैस ये इसमें कंटूर करने से आपका फेस जो है बहुत ही शार्प नज़र आता है, बहुत ही प्यारा नज़र आता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इसको देख लीजिए, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। आप ट्राई कीजिएगा, मुझे याद कीजिएगा। तो अगर आपको मैं बार बार नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए भाई। मैं ऐसे नहीं बोलती कि करिए करिए, क्योंकि आपकी आप अगर आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो इंसान उसे सपोर्ट करता ही है। तो बस ये देखिए, मेरी नाक भी शार्प नज़र आ रही है। तो गाइज़ मैं कैसी दिख रही हूँ ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं उसको थोड़ा पाउडर ही, मैं मतलब ये जो भी आपकी क्रीमी प्रोडक्ट होते हैं उनको सेट करने के लिए हमें पाउडर यूज़ करना पड़ेगा, कि अभी जो मौसम है समर का है, तो उसमें बहुत स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। बस मैं उस समय जो मैंने पिंकिश शेड लगाया था उसी को मैं फिर से ट्राई करी, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे उस समय भी। तो कोई चीज़ हमें अच्छी लगती तो हम उसे बार बार यूज़ करते हैं, बस यही है रीज़न। तो बस देख लीजिए, तो आप ज़रूर बताइएगा मेरा लुक आपको कैसा लगा। बहुत ही ज़्यादा मेरे पास क्या है, एक्चुअली रिंग लाइट नहीं है, तो क्या इतना फेस पे ही एकदम रिंग लाइट पड़ती है, तो आपका जो आपके बोलना चाहिए हाईलाइटर बहुत ज़्यादा उभर के दिखता है। तो मैं बहुत जल्दी उसको ऑर्डर करने वाली हूँ, तो वो भी आ जाएगा, फिर आपको मेरे हाईलाइटर को बहुत अच्छे से देख सकेंगे। प्लस ये शिवाना का हाईलाइटर बहुत अच्छा होता है, आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत अच्छा हुआ है। अब मीनो की मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, अभी बहुत प्यारी लिपस्टिक है, इसका शेड बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा कलर है। आप लिप लाइनर से पहले लिप लाइनर क्रिएट बना के ही लिपस्टिक लगाइए, क्योंकि फिर इधर उधर हो जाता है सम उसको। देखिए मेरी लिपस्टिक हो गई। इसके बाद मैं अपना काजल यूज़ करूँगी। मेरी आईज़ थोड़ी मुझे छोटी लगती हैं, लोग बोलते हैं बड़ी हैं, मुझे छोटी लगती हैं, तो मैं सिल्वर काजल यूज़ करती हूँ, उससे बहुत अच्छी बड़ी बड़ी लगने लगती हैं। बस हल्का सा मैं आई शेडो वगैरह को भी अपने वाटर लाइन पे लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा और अच्छा लुक आए। बस मैं बहुत जल्दी ये डीप कंडीशनर का वीडियो भी लाने वाली हूँ, आपको अपने बालों पे कंडीशन करके दिखाऊंगी। तो मेरी साड़ी आपको कैसी लगी, मेरा लुक कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय।